जैन दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टेस्ट पेपर 11 नंबर का है उसके क्वेश्चन के डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। तो आपके सेक्शन में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है रीजनिंग का, वो आपका मिसिंग सीरीज दिखाई दे रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं? 15। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पेयर बना लिया करो। अगर आपके 15 दिखाई दे रहे हैं तो तीन तीन में तोड़ लो भाई। तीन तीन में जब तोड़ोगे तो यह एक श्रृंखला दिख रही है, इसकी भी श्रृंखला का पहला अक्षर W है, इसका भी W है, तो यहां भी क्या मान लोगे भाई? W। इसकी श्रृंखला का भी पहला अक्षर क्या होगा? W, क्योंकि यहां भी दिखाई दे रहा है। तो हम श्रृंखला इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, ये कंप्लीट श्रृंखला मिली WAX, ये यहाँ होगा WAX, 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 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो दो बार A, दो बार W, AX, दो बार A, W, AX, WAX, A वाला होना चाहिए, WAX, A होना चाहिए, W होना चाहिए, डब्ल्यू ए एक्स होना चाहिए, यहाँ पर डबल एक्स होना चाहिए। तो डबल ए, डबल डब्ल्यू, डबल एक्स, सी ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे को तीन तीन के पेयर में आप तोड़ दिए, क्योंकि 5 है, 15 है, तो बेटा तीन तीन के पेयर में तोड़ोगे, 16 है तो चार चार के पेयर में तोड़ोगे, 12 है तो या तो चार में टूटेगा या तो तीन के पेयर में टूटेगा क्वेश्चन। यह देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित आरक में 100 खिलाड़ियां भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ हॉकी खेल रहे हैं। कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं? फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी हैं भाई? 15। लेकिन वो क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो 15 हटा दो, यही दोनों खेलने वाले हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाने वाली? 15। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही है। इस वाले क्वेश्चन पर आइए। दिए गए विकल्पों में से उन शब्दों का चुनिए जो शब्दों के शामिल अक्षरों से नहीं बनाए जा सकते हैं। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बना सकते हो? चलो देखो भाई, टी आया है, इसमें टी नहीं आया है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि टी तो इस अक्षर में आया ही नहीं गई। यहां पर बी एक बार आया है, बी आ चुका था। ए आया है, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपका ए नहीं आया है। शब्दों में बना सकते हो, तो बेटा पहला गलत है, क्योंकि ए, दूसरा वाला भी गलत है, क्योंकि इस पूरे अक्षर में जितने लिखे गए हैं अक्षर में, उसमें से कहीं से ए नहीं दिखाई दे रहा है। ए वाला इसमें भी ये गलत हो जाएगा। सी दिख रहा है, आर दिख रहा है, यू दिख रहा है, एम दिख रहा है, बी दिख रहा है और एस दिख रहा है, एस भी दिख रहा है। तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा मेरा भाई? सही होगा। इस वाले क्वेश्चन पर आइए। लिखा जा रहा है भाई, टाइगर को आप क्या लिखते हो? टी। 20 से 19 गया, एक का कम हुआ। 9 से 8 एच गए, आई से एच गए, कितने का अंतर हुआ? एक का। 7 से 6 गए, एक एक घटाए जा रही है हर श्रृंखला में, तो आप भी एक घटा दो। यहाँ यस था, 8 था, तो एक घटाओगे तो 7 हो जाएगा। जी यहाँ 15 था, तो एक घटाओगे तो 14। आर 18 पर एक घटा दोगे तो 17। ई 5 पर 5 में से एक घटा दोगे तो 4। जी एन क्यू एक्स, जी एन, जी एन क्यू क्या हो गया? एक घटाओगे जी, एक घटाओगे एन, आर से 18 में से एक घटा दोगे तो क्यू, यस यहाँ 18 है भाई, आर होगा, उसके बाद डी होगा। जी एन क्यू आर डी, जी एन, जी एन क्यू, जी एन क्यू आर डी, बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। इसको देखिए, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते हैं भाई। पहली लाइन में बोला गया था श्रीमती गांधी, श्रीमती गांधी एक्सक्वेयर कोलकाता, एक्सपेयर क्या लिखा गया है भाई? चलो कोलकाता से चलती हैं, वो अपनी कार से एक्सप्रेस लिखा गया था भाई, वो 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली जाती हैं। यानी यहाँ से कितनी दूरी चली जाती हैं भाई? 6 किलोमीटर किस दिशा में चली जाती हैं भाई? पश्चिम दिशा में। आगे बोला जा रहा है कि फिर से वह, और फिर वह दाईं ओर मुड़ती और कितने किलोमीटर चली जाती है? 4 किलोमीटर। दाईं मुड़ेंगे तो वह ऊपर जाएंगे और कितने किलोमीटर चली गई है भाई? 4 किलोमीटर। आगे बोला जा रहा है फिर वह कार को अपनी दाईं ओर मुड़ती और 6 किलोमीटर चली जाती है। फिर से कितने किलोमीटर चली जाती है? 6 किलोमीटर चली जाती है। आरंभ से वो कितने दूरी पर है बेटा? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि उसके ठीक ऊपर आ रही है, तो 4 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यह देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से भूख का संबंध भोजन से है, रोग का संबंध किससे होगा? बेटा भूख से, भूख लगती है तो क्या करते हैं भाई? भोजन। रोग अगर होगा तो आपको किसका सेवन करना पड़ेगा भाई? भोजन करने से भूख मिट जाती, उसी तरीके से औषधि का प्रयोग करने से क्या मिट जाता है भाई? रोग मिट जाता है। आगे आइए,
पतला का मोटा लिखा गया है, बौना का क्या होने वाला है भाई? पतला मोटा अपोजिट से दिखाई दे रहा है तो बौना का क्या हो जाने वाला भाई? लंबा बड़ा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, चौड़ा नहीं हो सकता, क्या हो जाने वाला भाई? लंबा। अगले क्वेश्चन पर आइए, इस पर देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था जिस प्रकार से ए एन संबंधित है बी और ओ से, ए एन संबंधित किससे है? बी और ओ से। ए यहां कितने का अंतर दिखाई दिया? एक का। यहां भी कितने का अंतर दिखाई दे रहा है भाई? एक का। तो यहां भी एक का अंतर बना लो भाई। जे के एल, एल के बाद क्या जाने वाला है? एम। वाई के बाद क्या आ जाने वाला? जेड। एम जेड आने वाला है। पहला सी वाला विकल्प सही है हमारा भाई। इस वाले क्वेश्चन पर आइए और इसको देखिए भाई। ए से एच गए, ए आता एक नंबर पर, सात का अंतर दिखाए हो। सी से आई गए, तीन से छह का अंतर दिखाए हो। पांच से बारह गए, कितने का अंतर दिखाए हो भाई? सात का। तो सात जोड़ दो इसमें, तो यहां तेरह तेरह सात कितना हो जाने वाला? बीस पटी। फिर छह जोड़ दोगे तो पंद्रह छह इक्कीस पर क्या हो जाने वाला? यू। क्यू में फिर सात जोड़ोगे, सत्रह सात चौबीस एक्स हो जाने वाला, तो टी यू एक्स। बी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है भाई? सही होने वाला है। इस क्वेश्चन पर आइए और इसको देखिए भाई। देखिए चार जिस प्रकार से बत्तीस से संबंध है, सात उसी प्रकार के किस तरीके से होगा? तो चार चौका स्क्वायर के आसपास है, नहीं मल्टीपल होता तो चार का कितने गुना दिखाई दे रहा था? आठ। लेकिन यहां सात आठ छप्पन तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन वाले बीस पर हम ये कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन की श्रृंखला नहीं है। चलो श्रृंखला क्या हुआ देखो भैया, चार का स्क्वायर गुणे कितना हो जाएगा भाई? दो बराबर कितना हो गया भाई? बत्तीस। तो सात का स्क्वायर उनचास, उनचास गुणे दो बराबर नौ, नौ अठारह को आठ, चार चार आठ एक नौ अंठानबे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाने वाला है? तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए, छह दो चार, यहां भी अक्षर सेम है। जब अक्षर सेम है तो अंकों का बस हेर फेर हुआ है, जो पहले था वो सबसे लास्ट में चला गया, तो जो सबसे पहले था वो सबको लास्ट में मिला दो। किसके विकल्प में? या लास्ट में दिखाई दे रहा सात, यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। मिड में दो था तो मिड में दो है, मिड में चार है तो मिड में चार लिख दो। अंतिम वाले को पहले लेकर आ जाओ, फाइव फोर सेवन, फाइव फोर सेवन। सी वाला ऑप्शन क्या होने वाला है भाई? सही होने वाला। इस चीज को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से जो चार अंक दिए गए हैं, कौन सा एक आपका गलत होगा? देखो इवेन ऑड पर आप चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तिरसठ भी ऑड दिखाई दे रहा है, नौ भी दिखाई दे रहा है। इवेन तो भैया दो दिखाई दे रहे हैं, इससे भी कैंसिल नहीं हो सकता। स्क्वायर किसी के सब दिख नहीं रहे हैं। इसके अलावा देखोगे तो फिर आपको एक चीज और भी नहीं दिख रही है कि प्राइम नंबर भी नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज हमें दिखाई दे रहा है, जो नौ लिखा गया है पूर्ण तरीके से किसी का वर्ग दिखाई दे रहा है, बाकी कोई संख्या वर्ग नहीं दिख रही है। तो बी वाला ऑप्शन क्या है मेरा भाई? सही है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए कह रहा है कि 0.09, सुनिएगा, 9 पॉइंट पहले में कितना दिखाई दे रहा है भाई? 09। यह दिखा है आपका 909 बटे 100 है बेटा। 100 से जब भाग दोगे तो ये भी 9.09 ही आएगा। अच्छा इसको देख लो, 100 का 9 में गुणा करोगे तो 900, इसको भी लिख सकते हो भाई 909, और 100 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 9.09। लेकिन यह नहीं आ सकता, यह आएगा आपका 0.909 आएगा। तो यही एक हमारा अलग दिख रहा था। तो डी वाला ऑप्शन क्या है मेरा भाई? सही है। आज आकृति में चुनिए जो विषम दिखाई दे रहे हैं। चलो भाई देखो, ए से एक, यहां चार, यहां कितना दिखाई दे रहा भाई? छह। तो तीन का अंतर, दो का अंतर, दो पांच और कितना दिखाई दे रहा है? सात। तो इसमें भी तीन का अंतर दिख रहा है, फिर लास्ट में कितने का अंतर दिख रहा है? दो का। यहां भी तीन का अंतर दिख रहा है, फिर कितने का दिख रहा है? दो का। बारह दिख रहा है यहां, पंद्रह, तीन का अंतर दिखा, पंद्रह दो सत्रह, यही गलत होना चाहिए, बाकी सब तो सही चले। उन्नीस से इक्कीस गए, दो का अंतर हो गया, तो डी वाला गलत है, क्योंकि बाकी सब में पहले से दूसरे जाने पर तीन का अंतर दिखाई दे रहा था। इसमें देखिए भाई, कौन सी आपकी विषम दिखाई दे रही है उसे ज्ञात करना है। चलो भाई, आठ नौ कितना दिखाई दे रहा है भाई? चौबीस। और ये कितना दिखाई दे रहा है भाई? तेईस। यूटी। चलो यहां देखो भैया, दो दो के बाद से एक आ गया, इक्कीस के बाद से यहां कितना आ गया भैया? बीस आ गया। यहां देखोगे तो उन्नीस के बाद अट्ठारह आ गया। पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाकी सब में पहले से दूसरे बढ़ रहे थे, बाकी में नहीं बढ़ा भैया। यहां देखो भैया, बाईस आ गया, बाईस के बाद कितना आ गया? इक्कीस हो गया। यहां देखो कितना आ गया? पच्चीस। पच्चीस के बाद कितना हो गया? चौबीस। एक एक लास्ट वाले में क्या हो रहा है ना, एक एक भाई घट रहा है। यहाँ सत्रह था, यहाँ कितना हो गया भाई? सोलह। देखो पहले से एक घटा, दूसरा आ गया, तीसरे से एक घटा, चौथा आ गया,
पहले से दूसरे में एक का घट घटाना था, यहां पर देखो क्या दिया गया है भाई, जोड़ दिया गया, तो पहला ऐसा विकल्प है जो गलत दिखाई दे रहा था भाई। इस क्वेश्चन पर आइए और इसका जवाब दीजिए, बहुत आसान सी श्रृंखला है। ए ई कितने का अंतर दिख रहा भाई, ई एफ जे एच, उसके बाद से इसे भी चेक कर लीजिए भाई, ए से एफ गए कितने का अंतर दिखाई दिया, पांच का, ई से पांच गए पांच का, यहां भी पांच का अंतर बना लो भैया, जे जे पांच पंद्रह हो जाएगा, जे और एच और ओ दिखाई दे रहा है क्या भाई। एक सेकेंड, श्रृंखला को दोबारा रीड करते हैं। लिखा गया है ए एक पर है या पांच पर है, यह छह पर है और ये कितने पर है भाई, दस पर है। चार चार का अंतर जिसमें दिखाई देगा वही ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखो सोलह और यहाँ कितना है भाई, बीस है, तो यम और यन तो सही हो नहीं सकते। यू भी एक का अंतर दिख रहा है, बिल्कुल गलत है। वाई जेड एक का अंतर दिख रहा है, यही के और ओ होने वाला है, तो कौन सा विकल्प हो जाने वाला है, के ओ। वैसे भी पढ़ लो कि कैसे बनेगा, ई के बाद एफ, यहां से पांच का अंतर है, इन दोनों में भी कितने का अंतर है, पांच का, इन दोनों में भी कितने का अंतर है, पांच, सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है भाई, किसी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन पर आइए और इसका जवाब दीजिए। देखो भैया दो चार छ आठ दस बारह, ठीक है, जी गायब है इसमें, एक के बाद तेरह यम गायब है, आर के बाद एस गायब होगा तो टी आएगा, चार चार का अंतर दिखाना, बीस चार कितना हो जाएगा चौबीस, टी एक्स जिसमें ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होना चाहिए था, दो दो का अंतर, सॉरी दो बीस दो कितना हो जाएगा बाईस, टी भी होगा भाई, टी और क्या होने वाला है वी, किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, तो पहला और चौथा तो गलत है भाई, दो दो चार दो छह आठ दो दस दो बारह, यहाँ देखो भाई चौदह दो सोलह, सोलह दो कितना अठारह, दो दो का अंतर होने वाला है, कैसे हो रहा है, बीच में एक अक्षर छोड़कर लिखा जा रहा है, यहाँ जी गायब किया गया, जे के एल एम गायब किया गया, तो आर के बाद यस गायब करो और क्या लिख दो भाई टी, चार का अंतर दो दो का अंतर दिखा दो, तो बीस दो कितना हो जाएगा बाईस, बाईस दो कितना हो जाएगा चौबीस, टी भी एक्स सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है भाई सही है। इस वाले आ जाओ भाई, यह श्रृंखला दिख रही नंबर सीरीज भाई, नौ है सत्रह है इकतीस है और कितना दिखाई दे रहा है भाई संतावन, आपसे पूछी जा रही है कि अगर आगे इसी श्रृंखला को पैटर्न में बनाओगे तो कौन सा होने वाला है। चलो संतावन है ना, आगे आगे 205 भी लिखा गया है, हर एक संख्या दूसरे से डबल दिखाई दे रही है, हर एक अगली संख्या पहले से डबल दिखाई दे रही है, नौ दुना अठारह में से कितना घटा दो एक, सत्रह दुना चौतीस, चौतीस में से कितना घटा दो भाई तीन, डबल करते चले जाओ, दो एक कम दो तीन दुना छह बासठ में से पांच घटा दोगे क्या, हाँ बासठ में से कितना घटा दोगे पांच, यानी हर जगह पर दो दो से गुणा हो रहा है, एक घटाया गया तीन घटाया गया पांच, आगे दो से गुणा करके कितना घटा देने वाले हो भाई सात, तो सात सात चौदह को चार पांच पांच दस एक ग्यारह सात घटा दोगे तो 107 किसी विकल्प में दिख रहा है, वही ऑप्शन हमारा क्या है भाई सही है। आइए इसको देखिए भाई क्वेश्चन को, कह रहा है ए बी सी की तीनों की औसत उम्र कितनी है बीस, अगर तीनों की औसत उम्र बीस है तो ए प्लस बी, तो बटे तीन बराबर बीस लिखने के बजाय डायरेक्ट मैं साठ लिख दूं भाई, कोई दिक्कत है नहीं, ए और बी की औसत आई उन्नीस है, तो ए प्लस बी बराबर उन्नीस दूना कितना हो जाने वाला है अड़तीस, आपसे पूछा गया है सी का आई, तो साठ में से अड़तीस को घटा दो भैया दो, पांच में से तीन घट जाएगा दो, बाईस वर्ष आ रहा है, तो सी ऑप्शन क्या है मेरा सही है। इस वाले क्वेश्चन पर आइए, कुछ बड़ा हो गई स्क्रीन, चलिए भाई इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण एलियास से तेज दौड़ता है, तो अरुण जो होगा वो एलियास से तेज दौड़ेगा, इसके बाद से कौन आ जाने वाला है एलियास, आगे आते हैं अगले लाइन पर सुनिएगा, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं है, अरुण जो है एलियास से तो तेज है लेकिन किससे तेज नहीं होने वाला है भाई, तो दिनेश से नहीं है तो दिनेश इसके लेफ्ट साइड में आ जाने वाला है, दिनेश चंद्र से तेज दौड़ाता है किंतु वो विक्रम जितना तेज नहीं है, दिनेश विक्रम इतना नहीं है तो सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाएगा भाई विक्रम, और इसके बाद से बोला गया कि दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है, तो दिनेश के बाद से कम दौड़ने वाला कौन होगा चंद्र, लेकिन चंद्र की कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, सबसे तेज पूछा गया है तो सबसे तेज विक्रम दौड़ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाने वाला है सही है।
इस वाले क्वेश्चन को देखिए। रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता, उसकी माता कह रही है मेरी माता, यानी इसके ऊपर माइनस का साइन हो जाएगा। रामू की माता है, मेरी माता का एक बेटा, इसके बेटा का एक भाई, जिसका पुत्र अच्युत है। इसका पुत्र कौन है भाई? अच्युत है। चलो ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा। अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है? तो भैया यहाँ हो जाने वाला है रामू, तो यह दोनों आपस में ममेरे भाई लगेंगे। ममेरा क्या लगने वाला? भाई। देखो कैसे, रामू की माता, रामू की माता यह हो गई, कहती है कि मेरी माता, मेरी माता मतलब इसकी माता के माता का बेटा, मतलब इसका मामा, मामा के लड़का हो जाएगा, मामा का लड़का ममेरा भाई हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए भाई, जो दिए गए शब्द शामिल अक्षर से बना सकते हो, हमें इनमें लिखे गए अक्षरों का प्रयोग करके शब्द बनाना है। तो देखिएगा भाई, जी आ रखा है, एल आ रखा, ए आ रखा, डी नहीं आ रखा, बना ही नहीं सकते। एल आ रखा है, ई आ रखा है, ए आ रखा है, यस आ नहीं रखा, यह बना ही नहीं सकते हो। यल तो आ रखा है, ए आ रखा है, जेड भी आ सकता है, वाई नहीं आ रखा, तो ई वाला ऑप्शन सही होगा। जेड भी है, ई भी है, ए भी है, यल भी है, भाई डी वाला ऑप्शन क्या है मेरा सही है। आई सेम पैटर्न से भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस शब्द को चुनिए जिस दिए गए शब्द को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अच्छा यहाँ देखो भैया, टी दिख रहा है, यस दिख रहा है, दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, एन भी दिख रहा है, टी ये तो बनेगा, जी दिख रहा है, आई दिख रहा है, ए दिख रहा है, एन दिख रहा है और टी भी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, आई दिख रहा है, ए दिख रहा है, यस भी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ओ नहीं दिख रहा भाई, पूरे में ओ नहीं दिख रहा, तो यही वाला ऑप्शन क्या है? गलत होने वाला, बी वाला ऑप्शन। इसको देखिए, विकल्पों में चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाए जा सकते हैं। चलो भाई, यम दिख रहा, आई दिख रहा, डबल एस दिख रहा, आई दिख रहा, आई दो बार आया, दो बार यूज हुआ, आई ओ एन दिख रहा, ये बनाए जा सकते हैं। यम आई दिख रहा है, डबल एस भी दिख रहा है, एक बार फिर से आई आ गया, दो बार आई आया भी है, एल का यूज नहीं कर सकते, यही विकल्प नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें कहीं पर एल आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है भाई? सी। यदि ए को कूट भाषा में एक लिखो, बी को दो लिखो, प्लेस वैल्यू को ही बता रहा है। अच्छा एक मिनट, ए को दो लिख रहा है और बी को कितना लिख रहा है? तीन, एक एक बढ़ाते हुए चलकर लिख रहा है भाई। चलो तो एक एक बढ़ा दोगे तो एफ छह पर होता है, सात पर, बी कितने पर? दो पर, सी तीन पर होता है, चार पर, ई पांच पर होता है, छह पर, तो सात दो चार छह। ए को अगर दो लिख रहे हो, एक एक नंबर बढ़ाते चले जा रहे हो, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। कुछ समीकरण को चुनिए जो हल किए गए हैं आधार पे, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका सही होने वाला है, यह विकल्प हमें बताना है भाई। चलो, चार छह और चार पांच छह प्रणाली का प्रयोग करके हल कीजिए। विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया, हल न किए गए समीकरण को बताना है। अच्छा इसको बताना है। चलो भाई, छह सबसे अंतिम वाला पहले आया, फिर मिड वाले कुछ कोई चीज नहीं किया, पहले और लास्ट वाले को आपस में बदलना है। तो यहाँ भैया आठ आ जाएगा, बीच में सात आ जाएगा, इधर के आ जाने वाला छह, आठ सात छह, आठ सात छह, पहले और तीसरे को सेम रख बदल दे रहा है, बीच वाले को सेम रख रहा है। चलिए इसका भाई आंसर दीजिएगा। यदि प्लस का अर्थ क्या है? यदि प्लस का अर्थ है गुणा, यहाँ कौन सा साइन पढ़ लें भाई? गुणा। तो दस गुणे कितना हो जाने वाला है? पांच। अच्छा गुणा लिखा गया और गुणे का अर्थ किसके बराबर दिखाई दे रहा है? डिवाइड का। डिवाइड कितना हो जाने वाला है मेरे भाई? दस का। आगे डिवाइड लिखा गया है तो डिवाइड का अर्थ है भाई माइनस। माइनस कितना लिख देना है? दो। और लास्ट में माइनस लिखा, माइनस का क्या मान लेना है? प्लस कितना लिखा गया है मेरे भाई? पांच मान लेना है। यह दस से दस कट जाएगा, पांच में जाएगा तीन, तीन प्लस पांच बराबर आठ, तो डी वाला ऑप्शन क्या है मेरा सही। आइए इस क्वेश्चन पर, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। देखिए भाई, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, छियालीस आ जा रहा है, सात दो नौ, चार दो छः, उनहत्तर आ जा रहा है। तो इसका अंतर है, नौ में साठ घट जाएगा तो एक हो जाएगा, सात में तीन जाएगा कितना हो जाएगा भाई? चार। यही आ रहा था ना भाई, इन दोनों का योगफल इसके बराबर हो रहा था, इन दोनों का योगफल इसके बराबर। अगर यह दोनों संख्या दी गई है तो दोनों का अंतर नीचे दिखाई देने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा था? इकतालीस सही हो रहा था, बी ऑप्शन इसका सही है। इस वाले पर आइए भाई, क्या दिख रहा है?
720 बड़े नंबर है, मल्टीप्लाई करो 12 दहा के 120 गुणे 6, सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 नवा 72, 72 गुणे 5 बराबर 360, 72 गुणे कितना करना है भाई 5, इसको आधा कर दो, इसको डबल कर दो, 36 गुना कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दो तो 36, इसको जीरो से कर दो, 360 सही है। तो 12 गुणे लिखना होगा भाई 4 गुणे कितना लिखना होगा x बराबर कितना आ जाने वाला भाई 336, काट लो भाई 4 सते 28, नहीं 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, 4 चौका 16, x करोगे तो 84 बटे कितना हो जाएगा 12 छक 72, 12 सते कितना हो जाने वाला है 84, तो 7 आंसर आ जाएगा, सी वाला विकल्प हमारा क्या है भाई सही है। यह क्वेश्चन देखिए आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 5 लड़के एक वृत्त पर बैठे हैं भाई, 1, 2, 3, 4 और कितने हो गए 5, ठीक है। सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी जो बैठा है वो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ई यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा। आगे बोला गया ए डी और ई के बीच में बैठा है, ए जो बैठा है वह किसके बीच में बैठा है, तो ये यहीं बैठेगा, डी और ई के बीच में बैठेगा, तो एक मिनट, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डी ए है वह किसके बीच में बैठा है, डी और ई के, तो ई यहां है तो यहां ए को बिठा दो, यहां किसे बिठा दोगे, डी को जो बच गया उसे यहां बिठा दो। क्वेश्चन बोला सी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो सी के बाईं ओर जो तुम्हारा बैठा हुआ है वह बी है, 141 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। बी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, यही सेम क्वेश्चन है, बी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो बी और डी के बीच में यह डिपेंड करेगा भाई, क्लॉकवाइज आना है कि एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन कुछ पूछा नहीं गया है इसीलिए 3 तो दिख नहीं रहा, तो इसमें से हो जाएगा भाई कोई वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो डी वाला ऑप्शन क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है 142। इस वाले क्वेश्चन को देखिए और आंसर दीजिएगा भाई, कौन सी संख्या तीनों में ही आपको दिखाई दे रही है, या तो दिख ही नहीं रहा, या तो दिख नहीं रहा, या नहीं भैया काटते पीटते चले जाओ, जो तीनों में ना दिखाई दे, तो 6 एक ऐसी आकृति है जो तीनों में दिखाई दे रही है, वो डी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है भाई। आगे आ जाइए, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में मेजों कुर्सियां और फर्नीचर के बारे में बताना है, ऊपर फर्नीचर हो जाएगा, इधर मेज जाएगा, इधर कुर्सियां हो जाएगा, किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, डी वाले विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है भाई। इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, यह न्याय निगमन का आपका क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे, कुछ फोन घड़ी होती है, यह फोन हो गया और कुछ फोन क्या हो गई है आपकी घड़ी हो गई है। आगे बोला जा रहा है कि सभी घड़ियां क्या होती हैं, बंदूकें होती हैं। आगे बोला जा रहा है सभी बंदूकें घड़ियां होती हैं, बंदूक घड़ियां नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत है, कुछ बंदूकें फोन होती हैं, बंदूकें और फोन का कन्फर्मेशन है, तो केवल दूसरा ही निष्कर्ष सही होगा, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाने वाला है भाई सही। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि स्कूल में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है वे समझते हैं, इस बात को पढ़कर आप सोचो किस पर जोर दिया गया है, स्कूल में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता वे समझ जाते हैं, तो वो उनकी कैपेबिलिटी है, उन्हें कुछ भी पढ़ाया जाता है तो समझ जाते हैं। निष्कर्ष आपसे पूछा जा रहा है, स्कूल में छात्रों को सिखाना उनको सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है, यह बात बिल्कुल क्या है भाई सही है, यह बात बिल्कुल क्या है सही है, क्योंकि क्षमता पर निर्भर करता है तभी उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है वे समझ जा रहे हैं, छात्रों का स्कूल में सीखना इस बात पर निर्भर करता है उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। बेटा यह भावनाओं में जाकर आंसर नहीं देना है, दूसरा वाला निष्कर्ष पहली लाइन को पढ़कर निकल नहीं रहा कथन को, कथन में सिर्फ एक बात बोली गई है कि छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है वे समझते हैं, तो इस बात पर जोर दिया गया है कि वो समझ लेते हैं, अच्छा पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है, तो केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करेगा, दूसरा आपका निष्कर्ष अनुसरण नहीं करने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आइए भाई, चलिए भाई इतने ही क्वेश्चन थे तो ये आपका टोटल क्वेश्चन है। चलिए अगली क्लास में हमारी अगले टेस्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिए भाई, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।